हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा गोटे डिफरेंट आइटम फ्राइड मसाला इडली आगे टमाटो चटनी या को आपनो बिना सांबर भी खाईपर ये गोटे टेस्टी एंड क्विक रेसिपी तेज चलतु एवं आरंभ करवा कि पूर्व आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ नुआ रेसिपी पे बेल आइकन क्लिक करूँ। इडली बनवाप मुझे गोटे कप बिरी डाली सहित तीन कप चाउल को चार पांच घंटा पर्यटन प्रथम भिजेकी रखी एवं चार पांच घंटा पर गोटे ब्लेंडर रे प्रथम आम बिरी डाली को गोटे फाइन पेस्ट रे पिसी नबा। ये देखते बिरी डाली पिसी गला से ही ब्लेंडर रे चाउल को भी फाइन पेस्ट रे पिसी नबा। एबे ये चाउल और बिरी डाली को पानी दे भल भाव मिक्स करनबा। ये देखते इडली रो बैटर एमती पतला रहइबो। एबे बैटर को आम 6-7 घंटा पर्यंत फर्मेंट हवा को छाड़ नबा। माइक्रोवेव रे इडली बनवाप गोटे माइक्रोवेव से बाउल रे अल्प टिके पानी नहीं ताको गोटे मिनिट पर्यंत माइक्रोवेव रे गरम करनबा। गोटे मिनिट पर एबे ये पानी एबे गरम हो गलानी। एबे माइक्रोवेव इडली ट्रे रे अल्प टिके तेल लगे नबा। प्रथमे तेल लगेला पर एबे सेथिरे इडली बैटर पोर करिबा। एबे सेथिरे कभर लगाई एबे ताको आमे माइक्रोवेव करिबा। माइक्रोवेव करिया पे कन्वेक्शन मोड रे 3-4 मिनिट भितर आमर इडली बनिके रेडी हेइजिबो। 3-4 मिनिट पर ये देखु इडली एबे पूरा पूरी बनिकी रेडी हो गला। ताको गोटे बाउल रे आमे काढ़ी नबा। ये देखु केते सॉफ्ट बनी आमर इडली। आपण गैस रे बनिया पे चाहूंती ताले सही प्रोसेस को रिपीट करंतु। तेल लगेला पोरे सेथिरे इडली बैटर पोर करंतु। एबे आमर इडली ट्रे रेडी अछि। एपटे मे प्रथम रु इडली छांचरे पानी गरम करके रखी। एबे सेथिरे इडली ट्रे को रखी 12-15 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे ताको कवर करके कुक करिबा। 12-15 मिनिट पर ये देखंतु इडली आमर बनिकी रेडी अछि। चेक करिया पे गोटे कंटा चम्मच रे आपण चेक करि परंती। एबे आमर इडली को गोटे बाउल रे काढ़ी नबा। इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी। एबे इडली फ्राई बनवाई आम इडली बन की रेडी अच्छी। तांगे मो मसला अल्प टिके हलदी गुंड 2-3 मेथी दाना आपण चाहिए स्किप करें। अल्प टिके लाल मिर्च पाउडर 2 सुखिला लंका अधा चम्मच गोटा सोरस अल्प किछि बादाम 6-7 करी पत्ता एठार मु सांबर पाउडर नहीं। प्रथमे गोटे ब्लेंडर रे आमे बादाम को क्रश कर नबा। ये देखंतु आमर बादाम रो पाउडर बनकी रेडी अछि। एबे आमे इडली को छोटो छोटो 4 पीस रे कट कर नबा। आपण चाहिले एमती 2 पीस रे भी कट कर परिबे। ये देखंतु एबे इडली आमर छोटो छोटो पीस रे कट हेकी रेडी अछि। प्रथम गोटे कड़े रे आमे अल्प किसी तेल गरम करवा। मुझे 4-5 बड़ चम्मच तेल नहीं। तेल गरम हेले से अल्प टिके सोरस को आमे फुटिया पीन दबा। एबे से 2 सुखिला लंका को छिड़े की पकेबा। एबे से अल्प टिके भुसुंगा पत्र ई सब जिनस को भल भाव फुटी देलापर एबे से अल्प टिके हलदी पाउडर अल्प टिके लंका गुंड आपण आपण को स्वाद हिसाब रे नुंतु। एबे सेथरे बढ़िया बासना से पे अल्प टिके हेंगु पकेबा। ए सब जिनस मिसेला परे एबे सेथिरे पाउडर करके रखीथिबा बादाम पकेबा। आकु एबे 2-3 मिनिट टिके फ्राई कला परे कट करके रखीथिबा इडली को पकेबा। इडली को एबे सब मसला सहित भल भाव मिक्स कर नबा। एमती मसला इडली सहित बढ़िया भाव कोट हो। एबे ऊपर गोटे रु 2 बड़ चम्मच सांबर मसला पाउडर पकेबा। ए सब जिनस को आपण आपण को स्वाद हिसाब से पकातु। एबे से अल्प टिके ऊपर लुण आपण स्वाद हिसाब से पकई पारती। आपण चाहिए एथिरे आहुरी खंड इडली पकई परिबे। एबे इडली को आम गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत भल भाव स्टर फ्राए करिबा। एबे आमर मसला फ्राइड इडली बनकी रेडी अछि। ताको गोटे प्लेट रे आमे काढ़ी नबा।
ता सहित एठारे मु टमाटो चटनी बनाई छी सेति पई गोटे ब्लेंडर रे दुईटा टमाटर आ दुईटा कंचा लंका को प्रथमे हमें ब्लेंड करी नबा। तापरे गोटे पैन रे 2 रु 3 चम्मच तेल को हमें गरम करबा। तेल भल भाव गरम हेला परे सेथिरे अल्प टिके सोरिष दाना पकेबा। सोरिष फुटी गला परे सेथिरे अल्प टिके कटा हेतिबा पियाज पकेबा और पियाज को गोटे मिनिट पर्यंत टिके गोल्डन कलर हेला पर्यंत फ्राई करनबा। एबे सेथिरे टमाटो और कंचा लंका जो पेस्ट बनैथिले ताकू पकेबा। एबे सेथिरे स्वाद हिसाब अल्प टिके लाल मिर्च पाउडर पकेबा और स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लूण। आपण को जदि तीखा अधिक लागु छि आपण लाल मिर्च पाउडर स्किप करि परिबे। याकू एबे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत कवर करिकि टिके कुक करि नबा। 4 रु 5 मिनिट परे एबे हमर टमाटो चटनी बनिकि पूरा पूरी रेडी अछि। गैस को एबे बंद करि नबा। एबे फ्राइड मसाला इडली सहित टमाटो चटनी के सर्व करंतु। ये बहुत ही टेस्टी बनी छि। आपण चाहिले साधा इडली को भी टमाटो चटनी सहित खाई परिबे। आकु आपण घरे निश्चय गोटे थरो बनांतु आउ ये रेसिपी आपण अन्य मानक सहित शेयर करंतु। लाइक कमेंट करिया भूलंतु नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग।